मैडम, क्या बात है? हम आपको कब से इंतजार कर रहे हैं। क्या हो? रात की नींद और दिन का चैन खो गया है। अच्छा, जब से हमारे बगल वाले कॉलेज में पढ़े आवत है ना। अच्छा अच्छा, भगवान कसम मार साहेब, दिला धक धक धक, हमें लागत कम अटैक ना आए। बीवी बड़ी बात, एक बात हम आपसे कहे चाहिए थी। बोला। गोरिया हमासी कारा तू यारी, जीवन तारी हो दे बहिना। एक बात बताई। बतावा। एकदम काने का ढक्कन खोल के सुना। हाँ सुनावा। ये जो देश का बकवास हमसे करता है ना, ये सब हमका बिल्कुल पसंद नहीं रहा। दादा रे दादा, जितना तुसी हम मोहब्बत करी ला ना मैडम। अच्छा, शायद के और से इतना कर थो तो अपन जान कुर्बान कर दे। ये बात बा। हाँ। लेकिन सुना। सुनावा। राजाऊ हमके भारा नया कवरिया। एक बात सुन ले, बिल्कुल पसंद नहीं बा। अच्छा? कैसे? राजाऊ हमके भारा नया कवरिया, हमें घर मारी हो जा। हरे से बहुत बड़ा दबाव बा। अच्छा, ये सब हमारे घर में नहीं होते। ये बतावा हम पूछे चाहिला समाज से, का के घरे में होला ये सब? काहे नहीं होता भैया? ना सुना, सुना हो जाला भैया, होला ना हो जाला, हो जाला। सुना मैडम, जितना इंतजार करावत है ना। अच्छा। एक दिन जब जाल में उबू तो इंतजार के घड़ी के बदला हम जरूर ले। सुना सुना, आज के दौर में लोग बड़ी बड़ी मोबाइल लेके चलत है। अच्छा, और हम तो है देखी थी तुहरे पास छोटकी नहीं है। हम तो एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए। तोहके दे बाई टच के मोबाइल, बतिया करी हमार इस टाइम हो। बतिया जवाना का दौर चल रहा है। अच्छा, जवाने के दौर में चली है। तो हुके दे भाई टच के मोबाइल, बतिया करी हमार इस टाइल हो। बतिया फाइल खोलिया से जब प्यारी, फाइल खोलिया से जब प्यारी, जीवन तारी हो दे बहिना। एक बात बताई।
हम आपके बतावा। अब वही आप बोले कि आपके पास छोटका मोबाइल नहीं बा। हाँ हाँ जमाने के देखते हुए मैंने। जब हमारे घर में इतनी मनमानी करने की छूट नहीं है तो मोबाइल कैसे दे देंगे हमारे घर वाले? आज के जमाना बताई मैडम। हाँ बतावा। ऐसे ऐसी मोबाइल चली है कि वो कब पते न चली कि मोबाइल ही आटे कि रिमोट आटे रिमोट आए। वो मोबाइल तो का देवे जैसे कहबू टच वाली मोबाइल कहबू तो टच वाली देवे और रिमोट वाली कहबू तो रिमोट वाली। अच्छा सुना तो सिले बना टच के मोबाइल तो सिले बना टच के मोबाइल बतिया करा बना मार सटाई फाइल खोला बना से जे पे प्यारी फाइल खोला बना से जब प्यारी हम घर मारी हो जाबई ना एक बात बताइए मैडम। हाँ हाँ बतावा। हम बहुत खुले वातावरण का आदमी है ई बात बा। एक बार हमसे जब मोहब्बत कई ले बुना अच्छा तो का खुद ही पता चल जाए बतावे की जरूरत नहीं ई बात है। आपके सारे मन की मुराद पूरा करूंगा। कैसे मर दिल्ली बम्बे प्रयाग घुमा दिल्ली बम्बे प्रयाग घुमाई झूलना बहिया में हो झूलाई बझूलना बहिया में हो झूलाई झूलना बहिया में हो झूलाई घिया उपदेशी घिए के सोहारी आई बदेशी घिए के सोहारी जीवन तारी हो दे बहिया वाली की बात नहीं है। बात कैसी? बात ऐसी है कि जवानवा ऐसे चला थो बात सिर्फ जवाने की है लेकिन हम घूमा मुबा बना कहूं हमार बात सुना सुना वा। दिल्ली बंबई पर आगे ना घूमा बई झूलना बहिया के ना झूलबई हो झूलना बहिया के ना झूलबई झूलना बहिया के ना झूलबई। अब देसी घी की बात करें हां ये तो हर डालडा वाली शरीर नहीं दिखा दबा एकदम झुराई के राठा है हमका बतावा था कि तुमका देसी घी का सोहारी खियो भाई। आपको पता नहीं स्टील बॉडी है आज माइक एक बार देखा सुना दिल्ली बम्बई पर आगे ना घुमा बई झूलना बहिया के ना झूलबई हो
खाब न देसी घी के सोहारी, खाब न देसी घी के सोहारी, हम घर मारी हो जाब तो हमें ही बतावा पूछा ये सरिया बजा था का जौन भैया दिखाता हुआ बिका था अब जौन दिखाता हुआ वही तो देखा जाए। बात तो आपको सही बा हाँ। लेकिन स्टील बॉडी है। एक बार अजमाए के देखा मैडम। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बोलिए। मोहब्बत करके छोड़ने वाला काम नहीं ना हीर रांझा लैला मजनू और जूली फरहाज वाला प्यार कही ले तो ये बात वा हाँ सुना सुनावा हमारे संग में करबू जब शादी तोहका दे भाई पूनम आजादी तोहका दे सुनाते ही ऐसा मर्द काम न करत हो जो हम कर रहा कोनो ऐसी कमी ना है तोरे पास हाँ कैसे मर्द हमारे संग में करबू जब शादी तोहका पूनम दे भाई आजादी जितिया आजाए पवना ललकारी जितिया आजाए पवना ललकारी जीवन तारी हो दे बैना एक बात बताई बतावा अब तक घुमावे के बात करे हाँ। तब तक हम सुने हाँ। अभी तो हार कुछ ज्यादा ही बढ़त बा शादी करे चाहत हाँ। सही बात बोले में कोनो दिक्कत नहीं ना मैडम लेकिन सुना सुनावा हमारे तरफ से क्या कहना बा बताइए तोहरे संग कर बना शादी मना ले भाई हो आजादी हम मना ले गीतिया पवन के ललकारी पवन कवि के लेखनी बा कैसे गीतिया पवन कवि के ललकारी हम घर मारी हो जा बैना